दुनिया में रिश्ते हर तरह के होते हैं। हर रिश्ते में बदलाव समय समय से आते गए हैं और अब सब कुछ लेफ्ट और राइट स्वाइप से तय होने लगा है। लेकिन टिंडर की दुनिया जो आपको मोहब्बत भी दिलाती है लेकिन खुली आंखों से धोखा भी देती है, कुछ ऐसा ही हुआ है 44 साल की अमेरिकी महिला एना रोफ के साथ। सोर्सेस की माने तो इस कहानी की शुरुआत 2015 में हुई थी। एना को एक शादीशुदा अमेरिकी मर्द ने ठगने का काम किया है। ये आदमी शादीशुदा तो है ही, साथ ही एक बच्चे का पिता भी है। 2015 में एक शख्स ने टिंडर पर एना को राइट स्वाइप किया। राइट स्वाइप के तहत आप किसी को लाइक करते हैं, यानी कि आपके साथ उनकी क्वालिटीज मैच करती हैं। एंथनी रॉय नाम के टिंडर प्रोफाइल पर शख्स ने सैफ अली खान की फिल्म कल हो ना हो की फोटो लगाई थी। एंथनी ने एना को बताया कि वो 45 साल का है और तलाकशुदा है। एना को तस्वीर देखकर खबर नहीं थी कि सैफ अली खान कौन है, वो सैफ को नहीं जानती थी। 4 साल बाद अब एना रो एक एडवोकेट हैं और वो ऐसे ठगी के केस लड़ती हैं। वो इस मामले में अमेरिकी पुलिस के साथ काम भी कर रही हैं और डेटिंग एप्स पर किसी दूसरे की फोटो यानी फेक फोटो का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग करती हैं। एना ने बताया कि एंथनी रॉय ने मुझे बताया कि वो तलाकशुदा है और पिता भी है। उसने बताया कि अपने रिश्ते में बहुत ही ज्यादा लॉयल रहा है। साथ ही एना ने बताया कि उसकी प्रोफाइल में एक बात लिखी थी जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। उसने लिखा था, माइंड गेम्स और पुअर कम्युनिकेशन यानी बातचीत की कमी को मैं पसंद नहीं करता। मुझे लगा ये इंसान धोखा खा चुका है और मुझसे धोखा कैसे करेगा। इस इंटरव्यू में एना ने बताया कि कई दिनों तक चैट करने के बाद एंथनी नाम के शख्स से मिली भी थी, लेकिन मिलते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। खैर, एना को तो गलती का एहसास हो गया, लेकिन और भी ऐसे केसेस हैं जहां पर अब भी लड़कियां ठगी का शिकार हो रही हैं। धोखा देना कोई अच्छी बात तो नहीं, लेकिन ऐसे में कहीं भी किसी को सही ठहराया नहीं जा सकता। मजेदार बात तो यह है कि सैफ अली खान को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।